इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। बुरहानपुर में मुगल शासन के दौरान कई स्मारक बने, पर उतावली नदी के किनारे बना ये शाह नवाज खान का मकबरा एक अलग ही स्थान रखता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आज हम आप पहुंचे हैं शाहनवाज खान के मकबरे पर। मुगल दरबार के महत्वपूर्ण मंत्री अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि कवि रहीम के बेटे शाहनवाज खान का निधन 44 साल की उम्र में ही हो गया था। 1619 में उन्हीं की याद में इस मकबरे को बनवाया गया और क्योंकि ये मकबरा काले पत्थरों से बना हुआ है इसीलिए इसे काला ताजमहल भी कहते हैं। शाहनवाज खान का असली नाम मिर्जा इरज था। वो मुगल बादशाह जहांगीर का सिपाह सालार था। अपनी वीरता और सैन्य नेतृत्व के दम पर उसने जहांगीर को दक्कन के युद्ध में विजय दिलाई। इससे खुश होकर जहांगीर ने इरज को शाहनवाज की उपाधि से नवाजा। उसके मृत्यु का जितना दुख इरज के पिता अब्दुल रहीम खाने खाना को था उतना ही जहांगीर को भी। और उसी की याद में जहांगीर ने ये खूबसूरत मकबरा बनवाया। शाह नवाज खान का ये मकबरा मुगल स्थापत्य कला की विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। बुरहानपुर में बड़ी तादाद में काले पत्थर पाए जाते हैं, इसीलिए इस मकबरे का निर्माण भी काले पत्थरों से ही किया गया और इसका काला रंग ही इसकी खूबसूरती बन गया। इस चौकोर इमारत के ऊपर एक बड़ा गुंबद है जिसके चारों कोनों में छोटी छोटी मीनारें बनी हुई हैं। कहते हैं कि इसी की तर्ज पर ताजमहल की मीनारें बनाई गई। हालांकि ताजमहल की तुलना में इसका आकार छोटा है। जिस तरह से यहाँ पर शाहनवाज खान की असली कब्र नीचे तहखाने में बनी हुई है उसी तरह ताजमहल में बेगम मुमताज की कब्र भी नीचे तहखाने में है। मकबरे पर की गई महीन नक्काशी आपको आश्चर्य में डाल देगी। इस मकबरे में जिस किस्म की कारीगरी की गई है वो अद्भुत है। लाल और नीले खूबसूरत फूलों की कारीगरी, आकर्षक मेहराब और दीवारों पर की गई कलाकारी इस्लामी शिल्प कला का एक बेहतरीन नमूना पेश करती है। हैरानी की बात ये है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी चित्रकारी में इस्तेमाल किए गए रंग फीके नहीं पड़े हैं। पूरा स्मारक अपने आप में उम्दा वास्तुकला का उदाहरण है। मकबरे के पास ही एक और आकर्षक इमारत है जिसे पान दान महल कहते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि इसका आकार पान दान जैसा है। कहते हैं कि खंडर हो चुकी ये इमारत शाहनवाज खान की बेटी की कब्रगाह है।
जो मुगल बादशाह शाहजहां की कई बेगमों में से एक थी। इस महल के अंदर की दीवारों और छत पर भी काले ताजमहल की तरह ही महीन कारीगरी की गई है। जिसके निशान अब भी हमको यहाँ मिल जाएंगे। ये इस बात का एहसास कराता है कि अपने समय में ये मकबरा कितना भव्य रहा होगा। बुरहानपुर के हर इलाके में आपको इतिहास की झलक मिलती है और ये काला ताजमहल उसी इतिहास का एक खूबसूरत अध्याय है। ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर के इस बेहतरीन स्मारक को देखने आप जब यहाँ आएंगे तो आपको एक पिता का अपने बेटे के लिए प्रेम ही नहीं बल्कि एक बादशाह का अपने योद्धा के लिए सम्मान भी दिखाई देगा।